हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पंजाब के विधायक सुखपाल खेरा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि सुखपाल खेरा को 2015 के ड्रग्स की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में कुछ दिनों पहले उनके घर पर छापेमारी भी की गई और दिल्ली में ईडी के दफ्तर में सुखपाल खेरा से पूछताछ की जा चुकी। गिरफ्तारी से पहले सुबह के वक्त चंडीगढ़ में ईडी ने सुखपाल खेरा को फिर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और करीब 3 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सौबात की एक बात यह कि सुखपाल खेरा पर जो आरोप लगे हैं वो 6 साल पुराने हैं। पंजाब के फाजिलका के ड्रग्स की तस्करी के उन मामलों में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। इन आरोपों के बाद ही वो 2017 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर सुखबीर खेरा कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव से पहले हुई गिरफ्तारी उनके लिए बड़ा झटका है।